नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग क्या देखने वाले हैं। जी हाँ, फायर टेक्स्ट लेटर कैसे लिखना है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे ये सब लेटर आप देख रहे हैं, ऐसे ही लेटर को फायर टेक्स्ट लेटर बोलते हैं। तो कैसे लिखना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि फायर टेक्स्ट लेटर, तो कई सारा लेटर जो है आपको गूगल पे मिल जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होगा कि ये सारा इमेज जो है कॉपीराइट कंटेंट होता है, यानी कि इस इमेज को आप कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। आप खुद के लिए, घर के लिए यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल जिसको आप बोलते हैं, यानी कि इस पर ना तो आप वीडियो बना सकते हैं, ना ही कोई इस पर कमर्शियल तरीके से कोई वर्क कर सकते हैं। तो फिर कैसे करना है जिस पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं हो, तो वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरा मोबाइल है। और फायर टेक्स्ट आपको लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर ओपन कीजिए और यहाँ पर जाके आपको नॉर्मली सर्च करना है फायर टेक्स्ट। जैसा कि देखिए, यहाँ पे हम टेक्स्ट करके रखे हुए फायर टेक्स्ट। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो कई सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके, और हर ऐप का जो है यहाँ पे वर्क अलग अलग तरीके का होगा। इसमें ज़रूरी नहीं है किसी में ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा, किसी में कम ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे एक जो है हम ऑलरेडी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, जैसे कि सेकेंड वाला आप देख सकते हैं, फायर टेक्स्ट फोटो फ्रेम। तो ये जो है हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लेकर चलते हैं, जहाँ पे इस ऐप को हम इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फायर टेक्स्ट करके एक ऐप आपको दिख रहा है, इसको हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं। और ओपन करेंगे तो इसमें कई सारा आपको डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है, आप खुद यहाँ पर अपना इमेज भी डाल के बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, फायर टेक्स्ट फोटो फ्रेम यहाँ पर डाला हुआ है। अब आपको यहाँ पर 6 ऑप्शन मिल रहा है, गैलरी, अल्फ़ाबेट, नेम आर्ट, माई वर्क, रेटस और रिमूव ऐड। ये दो को तो साइड में रखते हैं, लेकिन गैलरी, अल्फ़ाबेट, नेम आर्ट, ये सब से आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको यहाँ पे करना क्या है। तो गैलरी में जाएंगे तो ये आपको इमेज पे लेकर चला जाएगा। तो गैलरी वाले ऑप्शन पे हम देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके ये आपको क्या दिखाता है। तो जैसे क्लिक करेंगे, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, एल्बम, स्क्रीन रिकॉर्ड या फिर फोटो, 2 ऑप्शन दिखा रहा है। तो एल्बम वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। एल्बम वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको के मोबाइल का जो एल्बम जहाँ पे आप रखे हुए हैं वहाँ पे ये लेकर आ जाता है। तो एक इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं जो हम अपने मोबाइल में यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देखिए, इमेज हम यहाँ पे ले लिए हैं। अब 4 ऑप्शन यहाँ पे ये दे रहा है, लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, इंग्लिश, अरबिक, हिंदी और वैलेंटाइंस। वैलेंटाइंस नॉर्मली इंग्लिश में ही रहेगा, सिर्फ शेप आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो हम इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आप लेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी लेटर आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो एक कोई भी हम लेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए, आर यहाँ पे टेक्स्ट किया हुआ है, तो इस आर वाले पे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ये ऐड यहाँ पर दिखा रहे हैं तो क्लोज कर देना है ऐड, क्योंकि ऑनलाइन डाटा है इसलिए ऐड दिखा रहा है। अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, लेकिन जो हम इमेज लिए थे वो इमेज आप यहाँ पे देखिए कट रहा है। तो उसको करना क्या है, इमेज को हमको ड्रैग करके छोटा कर देना है। ये आप फिंगर के थ्रू जो है छोटा कर लीजिएगा, और जहाँ पे आपको रखना होगा वो आप वहाँ पे रख सकते हैं इस इमेज को। तो ये आपको देखना पड़ेगा, वो आप अच्छे तरीके से बिठाइएगा। ज़्यादा हम अगर इसमें टाइम लेंगे तो ये जो है ज़्यादा समय लेगा यहाँ पे। तो नॉर्मली हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे जो है इसको वो करना है, टेक्स्ट यहाँ पे फिट करना है। मूव, इसको फिंगर से ही आपको मूव कराना पड़ेगा इमेज को। तो जहाँ पे आपको बिठाना पड़ेगा वहाँ पे जो है आप इसको बैठा लीजिएगा इस तरीके से। अभी हम फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि बड़ा करेंगे तो ये कट रहा है। तो अभी इतना ही पे हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब नीचे देखिए, आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाता है। टेक्स्ट तो हो चुका है, टेक्स्ट अगर आप बगल में करना चाहते हैं तो टेक्स्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक देखिए, टेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, तो जो आपको यहाँ पे लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर देते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि कई तरीके का आपको यहाँ पे डिज़ाइन आपको मिल जाता है। तो नाम यहाँ पे डाल दिए, कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए, फ़ॉन्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कई सारा फॉन्ट यहाँ पे मिल जाता है, ये देख सकते हैं।
जिस फॉन्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको डालना है। तो नॉर्मली हम ये वाला फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर आपको लेना है तो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं। वो जहाँ पे आप लाइनिंग वाले पे क्लिक करेंगे वो कलर आपका वहाँ पे जाकर जो है बन जाता है। तो ये हम कोई एक कलर ले लेते हैं और उसके बाद आगे कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये शेडो एक्स आ गया है, इसको हमको कम करना पड़ेगा। ये जो शेडो है ये जितना आपको बैठाना है तो उतना आप यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो शेडो एक्स और शेडो वाई वो आपको दिखा रहा है, ऊपर नीचे का जो है वो आपको दिखा रहा है जितना करना पड़ेगा। अब ये हम रहने देते हैं और जो यहाँ पे देख सकते हैं सही का टिक मार्क दिया हुआ है उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड दिखा रहा है तो क्लोज यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नाम जो है इसको उठा के आपको जहाँ पे डालना है वहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं। साइज जो है जितना बड़ा आपको यहाँ पे डालना है उतना बड़ा साइज आप इसको ड्रैग करके डाल लीजिएगा। तो ये यहाँ पे हो चुका है नाम यहाँ पे, लेटर इमेज हम यहाँ पे डाल दिए हैं, टेक्स्ट भी कर दिए। फ्रेम वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कई सारा आपको यहाँ पे, ये तो कैटेगरी यहाँ पे दिखा रहा है, कैटेगरी हटा देते हैं क्योंकि कैटेगरी ऑलरेडी हम लिए हुए हैं। बॉर्डर वाले ऑप्शन पे देखते हैं क्या दिखा रहा है। ये देखिए इमेज को आप बॉर्डर में जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो जो बॉर्डर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, कोई एक बॉर्डर हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए बॉर्डर यहाँ पे ले लिए तो बॉर्डर के अंदर जो है आपका टेक्स्ट और इमेज कैप्चर हो जाएगा। उसके आगे स्टिकर है, इफेक्ट्स है और फिर सेव का ऑप्शन है। तो कई सारा काम है यहाँ पे जो आप कर सकते हैं। बाकी इतना ही पे हम स्टॉप करते हैं क्योंकि आप आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ाएंगे वैसे आगे आगे कई सारा ऑप्शन आपको मिलते जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाता है। इस सेव वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है आपका सेव सक्सेसफुली दिखा दिया है। तो ये इमेज जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इमेज सेव सक्सेसफुली। इसको आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं इस इमेज को। तो देखिए हम नॉर्मली यहाँ से डायरेक्ट आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे आप इसको डायरेक्ट जो है शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शेयर करके आपको दिखा देते हैं। और ये जाता कैसे है इसलिए शेयर आपको दिखा रहे हैं कि एक चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ नॉर्मली जैसे ही इमेज आप शेयर करेंगे तो ये देखिए जब किसी को आप शेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका लिंक के थ्रू ये जाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए हम इसको यहाँ पे दिखाएं, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप बिना समझे हुए इमेज डायरेक्ट आप शेयर कर देते हैं तो ये जो है लिंक के थ्रू आपको जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस इमेज का जो है स्क्रीन शॉट निकाल लेते हैं, सबसे बेहतर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट जब हम निकालेंगे तो ये मेरा इमेज का क्वालिटी भी कम नहीं होगा, जो इस इमेज का क्वालिटी है परफेक्ट फुल एचडी में आ जाएगा। तो स्क्रीन कैप्चर जो आपके मोबाइल के टूल बार में होगा तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और लॉन्ग स्क्रीनशॉट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है और नीचे देखिए सेव का ऑप्शन है। तो ये इमेज जो है मेरा स्क्रीनशॉट हो चुका है, यानी कि सेव हो चुका है। अब इसको हम अपने मोबाइल के फोल्डर में ले जाकर दिखा देते हैं। तो फाइल मैनेजर वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे देखिए पिक्चर वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। पिक्चर वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन आ जाता है। स्क्रीनशॉट वाले में ढूंढ लेते हैं कि मेरा इमेज कहाँ पे आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये इमेज है ये वाला इमेज है, अभी देख सकते हैं आप इसी को जो ओपन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे यही वाला इमेज है, जब क्लिक करते हैं आप इसको एक चीज़ यहाँ पे क्या कर देना, जैसे देखिए व्हाट्सएप पे हम शेयर किए थे तो यू जस्ट नाउ या फिर यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इमेज को जो है क्लिप रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम क्रॉप कर देते हैं। तो क्रॉप करेंगे तो ये सब ऊपर में जो दिख रहा है वो सब यहाँ पे मेरा दिखना ख़त्म हो जाएगा और मेन जो इमेज का पार्ट है वो सिर्फ मेरे पास रह जाएगा। तब देखिए इस तरीके का क्लिक कर लिए और सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लिए तो मेरा जो ओरिजिनल इमेज है वो मेरे पास सेव हो चुका है। एक बार फिर से हम यहाँ पे ओपन करके दिखा देते हैं तो पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जाते हैं और स्क्रीनशॉट पे जाके हम आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाते हैं कि ये इमेज जो है यहाँ पे सेव हो चुका होगा। जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे इमेज जो है इस तरीके से आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी अगर कोई भी फायर टेक्स्ट लेटर या फिर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल करके बड़े ही आसानी से आप भी बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।